सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने एक फैसले में गुजरात दंगों के पीड़िता बिल्किस बानो को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को सजा में छूट देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि साल 2022 के अगस्त महीने में बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट का मानना है कि राज्य जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है वह दोषियों के माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। बता दें कि दोषियों को सजा मुंबई कोर्ट की ओर से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि कोर्ट का मानना है कि 13 मई 2022 को फैसला जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था। मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 दोषियों को बिल्किस बानो के गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। गौरतलब है कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। उस वक्त वह 21 वर्ष की थी और वह 5 महीने की गर्भवती थी। परिवार के मारे गए 7 सदस्यों में से उसकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी।